हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हिना मेहंदी लगाते हैं तो हिना मेहंदी में ये चीज़ें डाल करके लगाइए, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने शाइनिंग शाइनिंग आएगी आपके बालों में। शाइनिंग के साथ साथ अगर आप 3 से 4 मंथ में मेहंदी लगाते हैं तो आपके बालों की अच्छी ग्रोथ भी होगी। अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं डाल करके, तो ये बिल्कुल हिना मेहंदी जो होती है बिल्कुल नेचुरल होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग हिना मेहंदी के पैकेट ऐड करती हूँ। और जब भी आप हिना मेहंदी भिगोए तो लोहे के बर्तन में भिगोए और एक दिन पहले आपने इसको भिगो करके रख देना है, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा मेहंदी को और आपके बालों में भी बहुत अच्छी रचेगी है। तो देखिए, मैंने इसमें एक दो दिन पहले मेथी के दाने भिगो दिए थे, तो वो मैंने इसमें ऐड किए, तो काफ़ी अच्छा हिना मेहंदी का, हिना मेहंदी से बाल जो है रूखे नहीं होते, साथ ही बहुत अच्छी शाइनिंग आती है बालों में हिना वो मेथी सीड्स डाल करके। और मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग 7 से 8 हिना मेहंदी के पैकेट डाल लेती हूँ, और उसके डालने के बाद मैं इसको एक दिन पहले भिगो करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक शैम्पू डालती हूँ, शैम्पू ऐड करती हूँ, और भी काफ़ी सारे ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करती हूँ, जिससे कि इसमें मैं आंवला पाउडर डालती हूँ। हम देख सकते हैं किस तरीके से मैं आंवला पाउडर डाल रही हूँ, और आंवले का आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं इसमें नेचुरल चीज़ें डालूँगी, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बालों में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इसको एक दिन पहले भिगो करके रख देती हूँ, ताकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बाल भी बहुत अच्छे शाइनिंग करते हैं, और साथ ही रूखे और बेजान बाल जो होते हैं उनको ये रिपेयर करता है मेहंदी, सॉरी वो मेथी सीड्स, उससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हिना मेहंदी को भिगोती हूँ, और मैं इसको एक दिन बाद अपने बालों में लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपने ये इस तरीके से भिगोना है और रख देना है इसको ढक करके। नेक्स्ट डे आपने तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने मेथी दाने भिगो दिए थे एक दिन पहले, और मैंने इनको मिक्सर जार में डाल करके ब्लेंड कर लिया है, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया, और इसको मैंने मेहंदी में ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट डे मैं इसको आपको दिखाऊँगी ये भीगने के बाद कैसे हो जाती है। और आपने लोहे के बर्तन में ही जब भिगोए आप मेहंदी, लोहे के ही बर्तन में भिगोए, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब देखिए, इस तरीके से बिल्कुल लोहे के बर्तन में काली हो जाएगी, और इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा मेहंदी का, और ये लगाने में बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही मिलते हैं न्यू पार्ट, दूसरे पार्ट में मेहंदी कैसे लगाते हैं लंबे बालों में, ये पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। ओके बाय गाइस, ओके गाइस, बाय, टेक केयर।